Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. We are so wonderful to see you all on this day. I am your host Nawal. And I am Sayyid Ibad. We are honored to have the privilege of welcoming Director of Student Affairs, heads of departments of academic and administrative departments, respective faculty members and students. Simultaneously, we are extremely honored to have the privilege of welcoming our Honorable Chief Guest, Dr. Mufti Hafiz Ejaz Ahmed Qadri Sahib, who will enlighten us with his Islamic knowledge about the socio-economic Islamic habits and the impacts of Ramadan. Sir, we are deeply appreciative of your presence today. We welcome you all. मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तदाए सुखन मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तदाए सुखन ज़मीरे कुन से उगाता है जो ज़मीन ओ ज़मन For recitation of Holy Quran, I would like to invite Mawia Imtiaz from CS Department. Mr. Mawia, please come on stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون لو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانی مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم I would like to invite Isha from CS department Miss Isha please join us on stage میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کرو سا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں عرش آزم سے جیش کی بڑی شان ہے
ऐसे एजाज है कि मैं डॉक्टर मुफ्ती हाफिज इजाज अहमद कादरी साहब को कलामे दावत दे रहा हूं। आप अरबिक लैंग्वेज डिप्लोमा होल्डर हैं शहादतुल आलमिया तंजीमुल मदारिस से। आपने डॉक्टरेट की डिग्री जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हासिल की। आप शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में पेशावर में तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। आपके तहकीकी मकाला जात मुख्तलिफ शोहरत याफ्ता बैनुल अक़वामी जराइद में शाया हो चुके हैं। अब मैं मुल्तमीज़ हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुफ्ती हाफिज़ इजाज़ अहमद कादरी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्म की शमा से सामाईन की समातों को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन अम्मा बादु फअऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم آج کا یہ بہت ہی बाबरकत और काबिल तहसीन प्रोग्राम दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज और कंप्यूटर साइंस की बहमी मामलत और कोशिश से यूनिवर्सिटी के असातिज़े किराम और मुंतज़िमीन की ज़ेर क़यादत तरतीब दिया गया है। माह रमजान मुबारक की इन मुकद्दस घड़ियों और लम्हात में ये प्रोग्राम यकीनन एक मुसलमान होने के नाते से हमारी जिस्मानी और रूहानी जाहिरी बातिनी तिब्बी माशी मुआशरती और सियासी हर एतबार से हमारे लिए इंतहाई मुफीद और मुअत्तर और आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए यकीनन मशाल राह साबित होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम
यकीनन एक इंतहाई काबिल तहसीन इकदाम है। मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हुक्म दिया गया है वह है रोजा के मुआशरती और माशी फवाइद व समारात क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह वाला ने अपने हबीब पाक साहिब औलाद हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अहकाम इस्लाम की सूरत में इबादात का जो एक हसीन गुलदस्ता अता फरमाया है तो यकीनन उस खालिक व मालिक ने इन अहकाम की सूरत में हमें हर तरह से बेहतरी का सामान फराहम किया है। वो बेहतरी जिस्मानी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है, माशी मुआशरती तिब्बी हर एतबार से हमारे लिए सरापा ए खैर है। इस बात पर हर मुसलमान को पूरा पूरा यकीन और मुस्तहकम सबका एतिकाद है। मुआशरा जो कि चंद एक कबाइल से मिलकर मर्द वजूद में आता है, मुआशरा की असास और उसकी बुनियादी अकाई एक इंसान होता है, फर्द वाहिद होता है। फिर जब अफराद आपस में मिलते हैं तो अफराद के मिलने की वजह से खानदान मर्द वजूद में आता है। फिर जब चंद खानदान आपस में मिलते हैं तो खानदानों के मिलने से एक कबीला मर्द वजूद में आता है। फिर जब चंद एक कबाइल मिल जाते हैं तो कबाइल के मिल जाने की वजह से एक मुआशरा मर्द वजूद में आता है। यकीनन मुआशरा फर्द वाहिद का नाम नहीं बल्कि मुआशरा बहुत से अफराद मुख्तलिफ कबाइल खानदानों और अफराद पर मुश्तमिल एक कम्युनिटी है। मुआशरा एक बड़ी जमात का नाम है। तो इंसान चूंकि एक मुआशरत पसंद है क्योंकि मिलजुल कर रहना ये इंसान की फितरत और तबीयत में दाखिल है और इस तबी तकाजे को पूरा करने के लिए इस्लाम ने जा बजा कुरान पाक में और अहादीस मुबारक में इंसान को मिलजुल कर रहने की ताकीद फरमाई है। लिहाजा जब मुआशरा मुख्तलिफ अफराद का नाम है तो तमाम अफराद यकसा नहीं होते, मुआशरती एतबार से माशी एतबार से मुख्तलिफ तबकात होते हैं। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, कोई सेहतमंद है तो कोई बीमार है, कोई बच्चा है बूढ़ा है तो कोई जवान है, मर्द व जन अलगर्द के मुख्तलिफ अजनास और अनवा से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मजमूए का नाम है। माशी एतबार से भी मुख्तलिफ होते हैं, मुआशरती एतबार से भी मुख्तलिफ होते हैं। कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि माईशत में इस कदर आगे बढ़े होते हैं कि अपनी जरूरियात हाजियात तहसीनियात और सहूलियात बल्कि इससे बढ़कर तायुशात की हद तक उनके पास जराए और वसाइल मौजूद होते हैं। लेकिन उसी मुआशरे के कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो नाने शबीना के मोहताज होते हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर जिनको नहीं होती, जब बड़ी मुश्किल से वो हैंड टू माउथ यानी एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा के वो खाने के काबिल होते हैं। इस्लाम ये नहीं चाहता कि जो माईशत की दौड़ में पीछे रह गया है उसको पीछे ही धकेल दिया जाए, बल्कि इस्लाम यह कहता है कि जो माईशत की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है तो वो अफराद जो माशी एतबार से खुशहाल हैं आगे निकल गए हैं वो पीछे रह जाने वाले इस्लामी मुआशरा के अफराद को सहारा दें और उनको आगे अपने बराबर लाने की कोशिश करें ताकि माशी और मुआशरती तवाज़ुन उनके दरमियान में बरकरार रहे। रोजे के इस्लाम इस्लामी मुआशरे के मुआशरत पर क्या उसके असरात हैं और क्या उसके फवायद और समरात मुस्लिम मुआशरा को हासिल होते हैं। अगर हम रोजा की हालत में अपनी तरह तरह की कैफियात और अंदाज को देख लें तो पता चलता है कि इस्लाम किस तरह मुआशरे की इस्लाह के लिए रोजे की सूरत में पूरा पूरा एहतिमाम करता है। पहले तो हम देखते हैं सहरी और इफ्तारी के औकात। सहरी का जब वक्त खत्म होता है
खत्म होने से एक मिनट पहले मुआशरा के तमाम अफराद मर्द जन बच्चे औरतें और मर्द अमीर और गरीब और हर तबका से ताल्लुक रखने वाले एक अफसर बाला से लेकर एक अदना से मजदूर तक जो भी रोजा रखने की नियत करता है और रोजे के फर्जियत के तकाजे उसके अंदर मौजूद हैं तो उस पर लाजिम है कि रोजे का शहरी का वक्त खत्म होने से पहले जो चाहे वो खाए। लेकिन जब शहरी का वक्त खत्म हो गया है और रोए फज्र हो गया उसके बाद तमाम अफराद पर वो किसी भी तबका से ताल्लुक रखते हूँ माशी एतबार से किसी भी नौइयत की उनके अंदर उनकी हालत और कैफियत हो अमीर हो या गरीब हो मर्द हो या औरत हो अलगत हर किसी पर खाना पीना बंद हो जाता है तो ये शहरी के अवकात में ये पाबंदी हमें इत्तेहाद का दर्श देती है हमें वक्त की पाबंदी का दर्श देती है कि किस तरह इस्लाम चाहता है कि तमाम मुसलमान भाई मुत्तहिद होकर रहे सबके लिए एक डिसिप्लिन हो एक कानून और एक ज़ाबता हो और वक्त की पाबंदी एक मिनट से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात है कि जब वक्त खत्म हो गया शहरी का किसी ने खाने पीने को हाथ नहीं लगाया जब तक शहरी का वक्त था सबको खाने पीने की आजादी थी तो ये वक्त की पाबंदी और डिसिप्लिन का दर्श हमें शहरी का वक्त भी बताता है और यही दर्श इत्तेहाद हमें इफ्तारी का वक्त भी सिखाता है। इफ्तारी के वक्त भी दिहाइयों क्या सैकड़ों और हजारों बल्कि अगर लाखों की तादाद में रोजादार मुसलमान भाई एक जगह पर जमा होते हैं इफ्तारी के वक्त से पहले भूख और प्यास भी होती है भूख और प्यास की शिद्दत और तलब भी होती है अनवाओ अकसाम के खाने सामने मौजूद होते हैं जो चाहे वो खा भी सकते हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं अगर रोकने वाली जात है तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि इफ्तारी के वक्त से पहले कोई हाथ नहीं बढ़ाता जब इफ्तारी का वक्त हो जाए सबको खाने पीने की फिर आजादी और सहूलत मिल जाती है और इसमें तमाम हत्ता के वो लोग भी जो के रोजादार नहीं होते अगर इफ्तार के वक्त पे किसी एक दस्तरखान पर मुसलमान भाइयों के साथ जो के रोजादार हैं उनके साथ जमा हो जाएं यूं कह लो कि किसी इफ्तार पार्टी में जमा हो जाएं तो वो भी जब तक इफ्तारी का वक्त नहीं होता रोजादार ना होने के बावजूद जो किसी उजरे शरई या तिब्बी उजर की बिना पर रोजा नहीं रखते हमारा मुशाहदा है कि वो भी कभी हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ाते क्यों इसलिए कि वो माह रमजान की तकदीस का ख्याल करते हैं कि ये माह रमजान की तकदीस है उसका एहतराम है कि हम खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाएं। डॉक्टर मोहम्मद वासे शाकिर जो कि आगा खान हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और बहुत सारे तिब्बी जराइद उनके मजामिन भी छपते हैं आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मेरे एक रिसर्च प्रोफेसर तशरीफ रहे मुलाकात के लिए मैं उनको एक रेस्टोरेंट में ले गया इत्तेफाक ये था कि माह रमजान था और इफ्तार का वक्त था मैं उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया सबके सामने खाना रखा हुआ था सब बैठे थे हमारे सामने भी खाना रख दिया गया लेकिन मैंने खाना शुरू नहीं किया मेरे दोस्त प्रोफेसर ने कहा कि खाना शुरू करें उसने कहा कि नहीं अभी हमारा वक्त नहीं हुआ इसलिए कि हम लोग रोजादार हैं और हमारा एक डिसिप्लिन है एक नज़्म व ज़ब्त है हम उसके पाबंद हैं हम उससे जब तक वो वक्त नहीं होगा हम खाना नहीं खाएंगे लिहाजा फिर कुछ देर के बाद सायरन बजा और ऐलान हुआ कि इफ्तार का वक्त हो गया है तो उस डॉक्टर ने जब ये देखा कि एक मिनट के बाद जब ऐलान हुआ तो फौरी तौर पर जितने हजारों की तादाद में लोग उस इफ्तार पार्टी में जमा थे सब ने खाना शुरू कर दिया वो बड़ा हैरान हुआ कहने लगा ये अजीब माजरा है उस कहा कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये डिसिप्लिन ये नज़्म व ज़ब्त जो आज आप इस प्रोग्राम में देखा है मैं बहुत सारे मदारिस और महाफिल में गया तरह तरह के होटलों में रेस्टोरेंट्स में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ बहुत सारे पार्टीज में जाने का इत्तेफाक हुआ लेकिन ये नज़्म व ज़ब्त जो आप मुसलमानों में इस इफ्तार की पार्टी में मैंने आज देखा है मैंने कभी किसी मजलिस में ऐसा इंतमाम नहीं देखा ऐसा नज़्म व ज़ब्त मैंने कभी नहीं देखा यह नज़्म व ज़ब्त हमें किसने दिया है यह रोजा हमें सिखाता है रोजा हमें सब्र व तहम्मुल की तलकीन करता है इससे इफ्तार की पार्टी इफ्तार के वक्त से और चाय के अवकाश से हमें एक तो ये मिलता है कि इस्लाम हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम मुसलमान बहसीयत मुसलमान आपस में मुत्तहिद होकर रहें और वक्त की पाबंदी करें वक्त की पाबंदी हम नमाज पढ़ें
रोजा रखे देवर हम इबादत की जिस तरह पाबंदी करते हैं और पाबंद होते हैं, तो अगर हम अपने तमाम मामूलात में इस पाबंदी का लिहाज करें, जैसे आज ही इस प्रोग्राम में भी ये देखा गया है, माह रमजान में रोजा रखकर सहरी और इफ्तारी के औकात से जो हमने पाबंदी सीखी, तो यहाँ पर भी जब हम इस हाल में हम हाजिर हुए वो देखा अल्हम्दुलिल्लाह नज़्म व ज़ब्त है, सब्र तहम्मुल के साथ और इंतहाई खामोशी के साथ पूरी तवज्जो और इन्हिमाम के साथ गुफ्तगू सुनने के लिए सारे जमा है, जो रोजा हमें इसी बात का दर्श देता है कि हम एहतराम करें, नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शहरुल मुवासात है, मुवासात का गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, इसलिए कि जब तक कोई शख्स खुद किसी तकलीफ के आलम से ना गुजरा हो, किसी मुसीबत और परेशानी से ना गुजरा हो, उस वक्त तक उसे उस मुसीबत और परेशानी का, उस कैफियत का पूरा पूरा एहसास नहीं होता। अल्लाह करीम ने माह रमजान में रोजों को फर्ज फरमाकर हमें ये हम उमरा को अगनिया को ये एहसास दिलाया है कि एक महीना के मखसूस मुद्दत में सिर्फ तुलू फजर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक मखसूस वक्त में खाने पीने से रोक दिया गया है, तो तुम्हें एहसास हुआ कि भूख और प्यास की तकलीफ किस कदर शदीद होती है, तो फिर उन लोगों का क्या हाल होगा जो कि सारा साल ही इसी तरह गुजारते हैं, सारा साल ही उनको खाना पीना पूरा मुयस्सर नहीं आता, पूरी मेहनत से जा फिशानी से हलाल ज़राए को इख्तियार करते हुए जो पैसा कमाया है वो पैसा जेब से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब तकलीफ का एहसास हो जाए तो फिर उस अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करने के लिए बिला इफ्तदारी तौर पर, दुनियावी तौर पर बिला इफ्त जेब से पैसा निकाल के एक जरूरतमंद के हाथ में दबा देना बड़ा आसान होता है, इसलिए कि अल्लाह करीम ने माह रमजान की सूरत में उमारा और अगनिया के दिलों के अंदर ये एहसास पैदा फरमाया है कि तुम ये देखो कि एक मखसूस वक्त के लिए खाने पीने से तुम्हें रोका तो तुम रुक गए, लेकिन तुमने महसूस किया कि भूख और प्यास की शिद्दत बड़ी तकलीफ दे होती है, लिहाजा उन गुराबा फुकरा का क्या आलम होगा, लिहाजा इसी का अमली मुजाहरा करने के लिए माह रमजान के इख्तिताम पर आखिरी अय्याम में और शवाल के जख्म तारीख को तुलूए फज्र होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व आला ने और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहि सल्लतु व सलाम ने सदकातुल फितर की सूरत में अमली मुजाहरा करने का हुक्म फरमाया है, और यकीनन हर वो मुसलमान जो साबे इस्तेदाद है कोई एक भी इस अमली मुजाहरे में पीछे नहीं होता, बल्कि उस वक्त तक उसकी कोशिश ये होती है कि नमाज ईद उल फितर अदा ना की जाए जब तक के रोजे से उसने जो दर्स सीखा है हमदर्दी का और गमखारी का जब तक उसका अमली मुजाहरा नहीं कर लेता उस वक्त तक वो नमाज ईद पढ़ने के लिए नहीं जाता। और इसके साथ साथ जब माह रमजान आता है हम ये देखते हैं कि मुआशरती अफराद के बाहमी रवाबित बढ़ जाते हैं, मुतहद होते हैं, इत्तेहाद होता है, वक्त की पाबंदी होती है और बाहमी रवाबित भी बढ़ जाते हैं। हम अपने बाजारों में देखें, मसाजिद में देखें, नमाज तरावी की सूरत में, नमाज पंजगाना की सूरत में और बाजारों में खरीदो फरोख्त की सूरत में बाहमी रवाबित बढ़ जाते हैं, जो कि ऐसा एक फर्द जो कभी घर से बाहर ना निकला हो ईद के दिन वो भी माह रमजान में खास तौर पर जुमा की अदायगी के लिए यकीनन घर से बाहर निकलता है, तो जब मुआशरे के अफराद आपस में मिलते हैं तो फिर इबादत का मकसद हासिल होता है, वो यह कि इस्लाम हमसे ये चाहता है कि आपस में रबता हो, एक दूसरे के हालों अहवाल से आगाही हो, देखे कि कौन जरूरतमंद है ताकि उसकी जरूरत को पूरा किया जाए, ताकि पता चले कि कौन बीमार है ताकि उसकी इयादत की जाए, और ये देखा जाए कि कौन हमारे तआवुन का मुस्तहिक है ताकि उसके साथ तआवुन किया जाए, तो बाहमी रवाबित बढ़ते हैं और फिर बाहमी रवाबत जब बढ़ते हैं एक दूसरे के आवाज़ से आगाही हासिल होती है और उसकी जरूरियात को, हाजियात को और उसके तकालीफ के इजाजा के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि माह रमजान में खास तौर पर तोहफे तहफ का लेन देन ये आम होता है, जब आम होता है तो हर आदमी घर का सरबराह चाहता है कि वो ईद के मौका पर अपने लिए
अपने घर वालों के लिए, आलो हजार के लिए तरह तरह के तहफ का एहतमाम करे, नया लिबास पहनना और तहफ लेकर उन्हें देना और उन्हें उनके दिलजोई करना और उनको उनके दिलों को राजी करना, मुसरत बख्शना हर आदमी और हर सरबरा की कोशिश होती है, जिसकी वजह से बाजारों में निकलते हैं और लोगों का कारोबार चलता है। जब लोगों का कारोबार चलता है तो माशी खुशहाली आती है, हत्ता के बहुत सारे हमारे बल्कि अक्सर हमारे ऐसे ताजर हजरात जिनका सारा साल कारोबार नहीं चलता, अल्लाह करीम ने माह रमजान और माह रमजान के बाद ईद उल फितर का मौका अदा करके हर किसी को माशी तौर पर खुशहाल बनने का एक मौका अदा फरमाया है। अलगर माह रमजान और माह रमजान में रोजा हमारे लिए मुआशरती माशी और हर एतबार से उसमें बेशुमार फवायद व थमरात रखे हैं। इतने फवायद व थमरात हैं कि अगर उनको शुमार किया जाए तो वो ला तुअद्दु व ला तुहसा, ना काबिल शुमार उनको शुमार नहीं किया जा सकता। हम मुसलमान तो मुसलमान, एक अंग्रेज डॉक्टर ने इस बारे में रिसर्च की कि क्या वजह है कि मशरक़ वुस्ता में बावजूद के लोग मीठा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद के मीठा ज्यादा इस्तेमाल करने के बावजूद उनके अंदर कैंसर का मर्ज बहुत कम होता है। हालांकि बाहर के यूरोपियन ममालिक में शुगर कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वहां पर ज्यादा मरीज पाए जाते हैं, यहाँ पर कम पाए जाते हैं। इसकी वजह क्या, हालांकि वो मीठा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि कैंसर के असबाब में से एक सबब है। उसने रिसर्च की, गौर व फिक्र किया, उसने कुछ वजूह तलाश की कि ये वजूह है जिनकी वजह से मशरक़ वुस्ता यानी हिंदुस्तान के एरिए में बहुत कम कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। जब उसने तहकीक की, तहकीक करने के बाद उसने कैंसर के बचाव के लिए, उससे तहफ्फुज़ के लिए सबसे पहले नंबर वन पे इस चीज को दर्ज किया, उसने दर्ज किया कि फास्टिंग है, रोजा है। इसलिए कि रोजा रखने वाला एक महीना जब रोजे रखता है, तुलुए फजर से लेकर गुरुबे आफ्ताब तक खाने पीने को, खाने पीने से अपने आप को रोकता है, तो सारे गलीज मादे जो जिस्म के अंदर हों वो डेड हो जाते हैं, जो कैंसर का सबब बन जाते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में जहाँ पर मुसलमान रहते हैं वहाँ पर कैंसर के मरीज बहुत कम पाए जाते हैं। अल्लाह करीम का कर्म है, अल्लाह करीम ने जो अहकाम हम पे लाजिम फरमाए हैं वो इसलिए लाजमी फरमाए ताकि हमें किसी तकलीफ में मुबतला फरमाए या किसी हमें मुसीबत में गिरफ्तार फरमाए, नहीं बल्कि अल्लाह करीम ने जो अहकाम हम पे लाजिम फरमाए हैं वो हमारी बेहतरी के लिए है, वो हमारी बेहतरी के लिए, वो बेहतरी जिस्मानी भी हो सकती है और रूहानी भी हो सकती है। अल्लाह करीम ने रोजों को लाजिम फरमा के हमारे दिलों के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे ईमान के लिए खतरनाक चीज है वो दुनियावी माल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मुझे तुमसे इस बात का अंदेशा नहीं कि तुम मुशरिक बन जाओगे, अलबत्ता इस बात का अंदेशा है कि तुम दुनियादार बन जाओगे, मालदार बन जाओगे और माल कमाने लगोगे, माल के हरीस बन जाओगे, अपना ओढ़ना बिछोना सब कुछ माल को बना लेगा। मालदार होना कोई जुर्म नहीं ना कोई बुरा है, इस्लाम तो बल्कि माल हलाल जराए से माल कमाने की तलकीन करता है ताकि वो अपना अपनी भी किफारत कर सके और अपने खानदान की, बल्कि अपने मुआशरे के आसपास के माशी एतबार से पीछे रह जाने वाले अफराद की किफारत करे। माल अच्छी चीज है लेकिन सब कुछ अपना माल को ही समझ लेना, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। इस वजह से माह रमजान में सदकातुल फितर को लाजिम फरमा के या खाने पीने की एक मखसूस वक्त में पाबंदी आयद करके अल्लाह करीम ने हमारे दिलों की से दुनियावी मोहब्बत को कुल्लियतन ना सही बल्कि एक हद तक उसको कम करने का हुक्म फरमाया है। यकीनन जब एक मुसलमान सदकातुल फितर अदा करता है, रोजा रखता है, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक मखसूस वक्त के लिए अपने हलाल कमाए हुए खाने ताम को और मशरूम को छोड़ देता है, हालांकि वो हलाल है, तजीब व ताहिर है, हलाल कमाई से है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको छोड़ देता है, इसलिए कि वो समझता है कि अल्लाह ताला का हुक्म हुक्म है। तो इससे हमें ये दर्श मिलता है कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद फकत माल ही नहीं और दुनिया की लज्जात और ख्वाहिशात नहीं, फकत यही नहीं है बल्कि असल मकसद हमारा रूहानी बालिदगी है, रूहानी तरक्की है, और वो कभी भी रूहानियत और मादियत यानी कुल्लियतन मादियत को इख्तियार करने वाला कभी रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। और रूहानी तौर पर तरक्की के लिए जरूरी है
कि अपने बाद लद्दाख को ख़त्म किया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह करीम ने दोनों जहानों के खजानों की चाबियाँ अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद कई कई दिनों तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था और अक्सर आप रोजे से भी रहते थे। तो रोजे का मकसद ये है कि हम हर तरह से तिब्बी, रूहानी, जिस्मानी, माशी और मुआशरती फवायद को हासिल करें। तो आज का ये प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया गया था ताकि हमें मालूम हो कि रोजा हमसे तकवा का मुतालबा करता है। रोजे की फर्जियत का मकसद ही तकवा है। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, और यकीनन इसका मुजारा हमें देखने में मिलता है जब माह रमजान आता है। रोजे की हालत में बहुत सारे ऐसे अवामिल जो कि दीगर महीनों में देखने में आते हैं, जब माह रमजान आता है तो उन मुहर्रिकात में और अवामिल में जो कि हमारे लिए नुकसान का बाइस हैं कम हो जाते हैं। सब्र तहम्मुल का मुजारा पाया जाता है, इसलिए इशारु सब्र है। रोजा हमें सब्र की तलकीन करता है, तो सब्र का महीना है, तो सब्र पाया देखने में मिलता है। तहम्मुल और बर्दाश्त की कुव्वत इंसान के अंदर बढ़ जाती है। हालांकि आम हालात में भूख और प्यास की शिद्दत गुस्से को भड़काती है, लेकिन ये जो कि रोजा हम खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर अल्लाह तआला के हुक्म से रखते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा नहीं आता बल्कि गुस्से के जज्बात को अल्लाह करीम रोजे की बरकत से मान फरमा देता है। सब्र तहम्मुल का मजारा देखने में मिलता है। बाजारों में, मसाजिद में, हर जगह पर आपस में खुश अखलाकी से पेश आते हुए मुसलमान भाई हमें नजर आते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको माह रमजान के रोज़ों से कुल्लियतन मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, और रोज़ों से हमें जो मुआशरती माशी दुरुस मिलते हैं अल्लाह करीम उन दुरुस से हमें इस तरह मुस्तफीद फरमाए कि जिस तरह माह रमजान में हमें इंतहाई संजीदगी और पाकिजगी तदहीर व तज़किया का एहतमाम करते हैं, अल्लाह करीम बाकिया 11 महीनों में भी हमें इसी तरह एहतराम के साथ, संजीदगी के साथ, सब्र व तहम्मुल और कुव्वत बर्दाश्त इस जैसे दीगर सिफात से अल्लाह करीम हम सबको मुतसिल फरमा। थैंक यू सर फॉर योर सो नॉलेजफुल सेशन। नाउ वी विल प्रोसीड विद द पैनल डिस्कशन। फॉर दिस वेरी रेशनेल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मतलूब अहमद, डॉक्टर शाहिद अहमद हीरा, प्रोफेसर डॉक्टर इजाज अलॉन्ग विद प्रोफेसर डॉक्टर माधव हुसैन। पुराने मजीद दूसरा सूरा आयत नंबर 185 शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीही अल-क़ुरआन हुदा लिन्नास। कुरान करीम फुरक़ान हमीद को रमजान के महीने में नाजिल किया गया जो लोगों का रहनुमा है, जिसमें लोगों के लिए हदायत है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस सेमिनार इज सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ रमजान। मैं ऐसे आयत मुबारक से सिर्फ एक वर्ड इनहेरिट करूंगा फॉर फर्दर डिस्कशन, लोगों लिन्नास। डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैं इससे दो आयत पीछे आयत नंबर 183 का सहारा लेता हूं, जो कि बहुत फेमस आयत है। हुक्म क्या किया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमसे पहले आने वाले लोगों पर फर्ज किया गया था। ओके, प्रश्न, मकसद, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। लिन्नास तत्तकून, लोग तकवा। अब तकवा का मतलब क्या है, हम पढ़े लिखे लोग तकवा का मतलब क्या लेंगे? मेरी नजर में
अगर हम तकवा को थोड़ी सी तशरीह की तरफ लेके जाएं तो सादा से अल्फाज में ये आएगा, क्या खुदा हमसे खुश है, क्या लोग हमसे खुश हैं। तो फिर अब अगर अपने इल्म की महदूदियत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे दो अल्फाज में इस तकवा की कोई डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूं, तो दैट वुड बी हुकूकुल्लाह एंड हुकूकुल इबाद। अब थोड़ा सा आगे चलने से पहले एक चीज हम सब के जहन में है, वो तो रब्बुल आलमीन है, वो तो अरहमुर रहीमीन है। जगह जगह पे जहां भी आप कहीं गुनाह करें, बुराइयां करें, बदी करें, गलतियां करें, मुड़ के उसकी तरफ देखें तो उसका हाथ सामने है, आए पकड़े। और कहां पे अल्लाह तबारक तआला ने आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, आप एक कदम चल के जाएं 99 कदम वो चल के आता है। तो इस चीज का एतमाद तो है कि इंशाअल्लाह तआला हम कोशिश करेंगे हमसे गलतियां ना हो, अगर गलती हो तो वो अरहमुर रहीमीन है इंशाअल्लाह तआला, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी नुसरत को हमारी मदद को आएंगे। तो फिर इसका जो दूसरा पहलू है हुकूकुल इबाद, उसके बारे में क्या इसकी माफी हमारे पास है, क्या इसके बारे में जो तरजीहात हमें की गई हैं, जो तरजीहात सेट करने के लिए हमें क्या गया है, तो क्या उसके बारे में भी हमारे पास किस किस्म की कोई गाइडेंस मौजूद है। ओके, हुकूकुल इबाद मैं कनेक्ट करना चाहूंगा जो मॉडर्न डेफिनेशन है सोसाइटी की, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट लीड, क्या मुआशरा, मेरी नजर में मुआशरा इंसानों का बुनियादी तौर पे एक ग्रो होता है जो तीन बुनियादी अनासर पे डिपेंड कर रहा हो, रिजिड टेरिटरी, देयर स्पेसिफिक टेरिटरी, एक खास इलाका जहां के वो मकीन हो, नंबर दो देयर इंटर रिलेशनशिप, जिनको स्पेसिफिकली इंटरेक्शन का नाम दिया गया, उनके बाहमी रवाबत, उनका बाहमी लेन देन, उनका बाहमी सलूक, और तीसरे नंबर पे एक मुतहिदा कल्चर। मॉडर्न डेफिनेशन में कल्चर, इंटर रिलेशनशिप और द इंटरेक्शन, एंड लास्टली देयर कॉमन टेरिटरी, दे लीड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। तो फिर क्या इसके बारे में हमारे पास कोई गाइडलाइंस है, जी हाँ बिल्कुल, कैसे इस्लाम हमें रागब करता है, कैसे मुत्तकी, मैं पहली बात से इसका खुलासा करना चाहूंगा, लोग मुत्तकी, मुआशरा, हुकूक अलिबाद, फला, मुत्तकी या मुसलमान तो वो हैं जिनके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ओके, कुल लिल्लाह से हुस्ना, लोगों से नरमी के साथ पेश आए, नरमी से बोले, उसके साथ साथ तफकहु फिद्दीन, दीन में रवादारी बेहतरीन हुस्न अमल है, आपका अमल का हुस्न रवादारी में बनाया। सो अब अगर हम इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें, रोजा फर्ज, निन्नास तकवा, हुकूकुल इबाद और मुआशरा, तो फिर इस स्पेसिफिक अगर हम टॉपिक को एम्फसाइज करें तो जिस तरह से हम कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो कौन सा ऐसा पहलू है जिसको इस्लाम एड्रेस नहीं करता। मेरी नज़र में हम तो कहते हैं सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द रोज़ा और द रमदान, मेरी नज़र में ये एक नाइव सा, एक मीगर सा पहलू है, जबकि इस्लाम तो इससे बहुत ऊपर जाके हर चीज़ को एड्रेस करता है। सो जस्ट फोकसिंग ओवर द प्रिंसिपल पॉइंट, वी विल प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रमदान। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि एक सेहतमंद माशरा सेहतमंद लोगों पर मुश्तमिल होता है, और सेहतमंद लोग ही एक अच्छे माशरे की तरवीज में जामिन होते हैं। तो इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में अगर सेहतमंद इंसान ही एक सेहतमंद माशरे की बुनियादी इकाई है, तो फिर यही इकाई आगे चल के माशरे की खुशहाली की जामिन भी बनती है। तो इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास हमारे पैनलिस्ट में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स जो हमारे रीजनल लेवल पे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह रिनाउंड एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शाहिद अहमद हीरा साहब। मैं शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा सर कि आप हमें आज की डायमेंशन में रोजे की हालत में
इंसानी सेहत पर जो इसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं उनके बारे में प्लीज हमें कुछ आ जाए था। Socio-economic impacts of Ramadan and especially with the health related. Thank you very much. बहुत अच्छी बातें और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे आप मेजॉरिटी जो ये ऑडियंस में बैठे हुए बच्चे हैं, मेरे ख्याल में ये कंप्यूटर साइंसेस के लोग ज्यादा हैं और ये सारे जानते हैं कि सिस्टम को रिफ्रेश करना कितना इम्पोर्टेंट है। वंस कोई हैंग हो गया है, ओवरलोडेड है, कुछ भी है, सेम इज द केस विद द ह्यूमंस। यहाँ भी ब्रेन ऑडिटिंग की जरूरत होती है, यहाँ भी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है, यहाँ भी रेस्ट एंड रिपेयर की जरूरत होती है, यहाँ भी उस बायोस को, उस सॉफ्टवेयर को जो कुदरत की तरफ से अता हुआ है उसको रिफ्रेश और अपडेट करने की जरूरत होती है। एक अपडेट करने का सिलसिला तो ये है जो हम पांच वक्त में अपने आप को सिंक करने के लिए अर्थ के साथ अपने निस्टिग्मस को टच कर देते हैं तो बहुत सारे एडिक्रंट्स और बहुत सारी ऐसी वेव्स हमारे अंदर अपडेट और सिंक हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि जब हम ये रमजान में रेस्ट देते हैं अपने जीआई ट्रैक, जब हम रमजान में स्लीप पैटर्न्स को चेंज करते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्लीप में जो चेंजेस आती हैं, ना सिर्फ ये कि जो सबसे बड़ा लोड हमारी बॉडी पे होता है दैट इज ऑक्सीडेटिव लोड। ऑक्सीडेटिव लोड क्या है कि जो खुराक हम खा रहे होते हैं उसको ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी लेना, और ये सबसे बड़ा ऑक्सीडेटिव लोड है जो सबसे बड़ा काम हमारी बॉडी कर रही होती है। तो ऑक्सीडेटिव लोड को कम करते हुए उसको रेस्ट देते हुए रिपेयर का काम करना, और ना सिर्फ ये कि उस स्लीप या रेस्ट के टाइम में डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे मादे, ऐसी चीजें जो हार्मफुल है हमारी बॉडी में, उनको ये मौका मिलना कि उनकी डिटॉक्सिफिकेशन हो सके, उनको एलिमिनेट किया जा सके। ऐसे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल द लिपिड, द फैट्स, उनको मोबिलाइज करना, उनको यूटिलाइज करना बॉडी में। तो अगर इसको ओवरऑल देखें तो ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, डिफेंसिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये सर कि WBCs, वर्ल्ड जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन उस फास्टिंग के टाइम में इंक्रीज हो जाती है, हमारी गट की रेस्ट के बाद उसको रिपेयर का मौका मिल जाता है, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन और ऐसे एलिमेंट जो है उनकी निकलने का, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप, और हैरान कुल बात तो ये है कि हमारी सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इंक्रीज हो जाती है, हमारी ग्लूकागॉन और हमारी ग्लूकोज लेवल की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हैं कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, इफ दे आर फास्टिंग विद द कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन, उनकी सेंसिटिविटी लेवल बेहतर होने से उनकी ग्लूकोज की मोबिलिटी नेचुरल और ऑप्टिमाइजेशन उसकी होने की वजह से उनकी बहुत सारा डिजीज का लेवल कम हो जाता है। ना सिर्फ ये, आप हैरान होंगे कि ब्रेन की कॉग्निशन, ब्रेन की रिटेंशन पावर, वो जो डिक्लाइन की तरफ एज के साथ साथ जा रही होती है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। अमेजिंगली बहुत सारी स्टडीज ऐसी अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल अगर इसकी लिस्ट बनाना शुरू करें और एक एक करके डिस्कस करना शुरू करें तो ये वो सारा रिफ्रेश है जो आप सिस्टम को करते हैं बार बार, ये वो सारा अपडेशन है, वो सारी सिंक्रोनाइजेशन है जो आप अपने सिस्टम्स को करते हैं, और ये इस सिस्टम, इसकी बायोस, इसकी कनेक्टिविटी के साथ, इसकी सेल्फ कंट्रोल के जरिए इसको किया जाता है रमजान में। सेकेंडली मैं थोड़ी सी कुछ एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि चैरिटेबल गिविंग इस रमजान में हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि मल्टीफोल्ड करने के लिए अपने सवाब को, चैरिटेबल गिविंग को इसी महीने में ज्यादा दिया जाए। वो चैरिटेबल गिविंग में सदकात में जो आपका इसमें जकात है, सदका की एक किस्म, और बाकी के सदकात हैं और खैरात है, और बहुत सारी ऐसी जो चैरिटेबल गिविंग्स हैं
वो सोशियो इकोनॉमिक सेटअप है, वो फूड की इंडस्ट्री है, और वो फूड की इंडस्ट्री के साथ साथ वो टूरिज्म है। आप देखिए वो टूरिज्म जो दुनिया में पूरे साल में होता है, वो टूरिज्म आपका रमजान में हो रहा है। ये सारी चीजें अगर देखें तो फाइनेंशियल फ्लो ऑफ द इकोनॉमी ये बहुत बड़ा फ्लो है जो हमारे इस रमजान की बरकत में। और आखिर में मैं छोटी सी बात करूं, मिस्टर रियो 2012 में यूनाइटेड नेशन में पेश किए गए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 8 गोल्स थे जिसके इंडिकेटर्स और टारगेट्स बनाए गए, 2015 में उसको असेस करने का काम शुरू हुआ कि अब कंक्लूड करें। 2012 में रियो साहब ने ये ऐड किया और 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 डेवलपमेंट गोल्स और उनके 169 टारगेट्स 191 कंट्रीज ने अडॉप्ट किए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे? वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्लान किए गए कि 191 कंट्रीज उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। 230 इंडिकेटर्स रादर अब तो 232 इंडिकेटर्स अगर उनकी आप लिस्ट देखें, वो टारगेट्स देखें, वो गोल्स देखें, वो नो पॉवर्टी, हंगर की कमी और हंगर को कंट्रोल करना, क्लाइमेट एक्शन, वो सारी चीजें वन बाय वन अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये तो वो टारगेट्स हैं जो हमें सत्रासी सालम ने और उस अहद ने और हमारी तालीमात ने हमें बहुत पहले से बता दिए थे, जिसकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग हम सारा साल के बाद हम उस ट्रेनिंग के रिफ्रेशर के इंतजार में होते हैं कि रमजान आए और हम ये सारा कुछ अचीव कर लें। सो एज ए होल ग्लोबली ये सारे ही टारगेट्स अचीव करने के लिए 191 कंट्रीज के नेशन काम कर रही हैं, वो सोसाइटीज भी काम कर रही हैं उसको अचीव करने के लिए। जो हम अगर रिलीजियसली प्रॉपरली इसको फॉलो करें तो हम अचीव कर सकते हैं, जो हमारे कंडक्ट में शामिल है। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह डॉक्टर शाहिद अहमद भीरा साहब। ह्यूमन मेमोरी तीन बेसिकली स्टोरीज पर मुश्तमिल होती है, सेंसरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसकी फर्दर मुख्तलिफ क्लासेस है। डॉक्टर शाहिद अहमद भीरा राइटली से मेमोरी रिफ्रेश होती है, मेमोरी रिफ्रेश होने से इंसान की एज में जो डिक्लाइन है इसमें फर्दर इस डिक्लाइन में डिक्लाइन आता है। सो यादाश्त इंसानी जिस्म की बेहतरी, इंसानी जहन की बेहतरी, उसके साथ साथ रोज़ा फोकस करता है कुछ और चीज़ों में, जिस तरह के राइटली साइड ज़कात पे, सत्तर गुना की लालच में या सात गुना की लालच में ज़कात भी रमज़ान में ही प्रेफर की जाती है। और इस ज़कात का कितना इम्पैक्ट है हमारे मुआशरे पे, एक वक्त था मैं हाज़रीन की तवज्जो के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, एक वक्त था कि मुसलमान मुआशरे में फ़कीर नहीं मिलता था, ज़कात लेके लोग हाथों में फिरते थे। ज़कात के लिए हमें ज़कात के लिए मुस्तहिक नहीं मिलता था। ज़कात का इतना इतना वाइटल इम्पैक्ट है इस्लामिक सोसाइटी पे। इसके साथ साथ रोज़ा एक और चीज़ पे फोकस करता है, वो है सादगी, कि इफ्तार में सहर में आप सादगी से काम लीजिए, सो दैट कि आपको एहसास हो कि ये इस भूख का एहसास कैसा होता है। लाजमी बात है, जिसने कभी भूख नहीं देखी उसको एहसास नहीं होगा कि डीप भूख का, डीप हंगर का कॉन्सेप्ट क्या है। सो सादगी, ज़कात और आपकी फिजिकल बेटरमेंट, ये वो पहलू हैं जो रोज़ा अपने साथ लिए फिरता है, जो अता करता है। इस स्पेसिफिक पोर्शन पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर मतलूब अहमद साहब को मज़ीद रोशनी इस पे डालें कि रोज़ा हमारे इन पहलुओं को एक जो माशरती चहता था करता है उसके बारे में कि अपने ख्याल क्या है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم لعلكم تتقون۔ ما شاء الله، یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ سوشیو اکانومک امپیکٹس رمضان ہے، کہ رمضان المبارک میں جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو چونکہ
जब हम रोज़ा के प्रोसेस को देखते हैं कि सुबह सहरी से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक हमने हर किस्म की चीज़ें जो हम पर हलाल भी हैं लेकिन हम वो नहीं खा सकते, कि इतना ग़ुरूब आफ्ताब तक इतना बड़ा टाइम है और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि रोज़ा जो है वो सिर्फ भूखे और प्यास से रहने का नाम नहीं या अपने आप को भूख और प्यास से अलग कर लेना और अपने आप को कामिल रोज़ेदार कहलाना यही काफ़ी नहीं, बल्कि असल जो है कामिल रोज़ा, असल रोज़ादार वो है जो हर किस्म के सगायर और कबायर से अपने आप को रोज़ा के दौरान जो है वो पाक कर ले, मुबर्रा हो जाए, उन चीज़ों से अलग हो जाए, यही असल रोज़ा है। तो अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक रोज़ेदार को और रोज़ा को देखा जाए, और चाहिए था कि आगे कौन सा फ्रूट मिल रहा है या अल्लाह ताला क्या इसका समरा हमें देने जा रहे हैं, तो कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़े जो है ऐ ईमान वालों तुम पर इस तरह ही फ़र्ज किए गए हैं जैसे कि पहले लोगों पर थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बन लो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये तकवा इसका मतलब ये है कि रोज़ा जो है इसका एक बहुत बड़ा समरा या अल्लाह ताला जो है वो जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं इस आयत में या जो हमें बता रहे हैं कि वो तकवा है। आखिर ये जो इतना बड़ा रिज़ल्ट है, आखिर इतना बड़ा जो है कंक्लूजन है, इतना बड़ा समरा है, ये तकवा क्या है? तकवा का आम तौर पे डेफिनेशन तो हम यही करते हैं कि परहेजगारी है, अपने आप को महफूज कर लेना है, अपने आप को गुनाहों से पाक कर लेना है। और उलमाए किराम ने लिखा कि चूंकि हजूर सल्लम ने यह भी फरमाया, आपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था तकवा हा होना, कि तकवा यहाँ है, उलमाए किराम ने कहा तकवा असल ये है कि अपने दिल में हर किस्म के जो बुरे ख्यालात हैं, सगायर हैं, कबायर हैं, अपने दिल में इस किस्म के ख्यालात का ना आना, और दिल से मुराद अपने बातिन को साफ और सुथरा बना देना और ताहिर बना देना, यही असल में तकवा है। और जो रोज़ा है यही चाहता है, अल्लाह ताला भी यही चाहता है। इस लिहाज से अगर तकवा की इस डेफिनेशन की सूरत में अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक ही सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है वो नेकियों का आता है। एक बहुत बड़ी सोसाइटी जो है वो मुस्तहकम होती है, वो सोसाइटी कमज़ोर होती है जहाँ बुराइयाँ हों, वो सोसाइटी जो है नेस्तो नबूद हो जाती है जहाँ जराइम हो, जहाँ गैर कानूनी हो, जहाँ हकूक की वायोलेशन हो रही हो, वो सोसाइटी जो है ख़त्म होकर रह जाती है। अजीज सामीन, असल में रोज़ा जो है वो हमें तकवे का माना ही ये है, हर एक को अपने हक के मुताबिक देना, हर एक को उसके मकाम के मुताबिक डील करना, हर वक्त उसवाए हसना इख्तियार कर लेना, यही तकवा है। और इसके इकोनॉमिक जो इसके असरात हैं ये भी इसीलिए हैं, जैसे कि हमारे चीफ गेस्ट ने भी बयान फरमाया और अभी सर भी फरमा रहे थे कि तक रोज़ा जो है ये हर एक की ज़रूरत को पूरी करता है। हमारे गांव में एक माई साहब रहती थी जिनका नाम बीबी रानी था, तो अक्सर हम लोग उनको जो है वो खाना वगैरह उनके घर देते थे। जब रमजान मुबारक का महीना आता था तो वो नहीं आती थी घर। एक दफ़ा वो आई तो मेरी वालदा मोहतरमा उनको फरमाने लगी, अल्लाह ताला मेरी वालदा मोहतरमा को अपने जवार रहमत में जगह दे, उनका इंतकाल हो गया। तो एक दिन वो बीबी रानी माई साहबा आए तो वालदा मोहतरमा फरमाने लगी कि बीबी रानी तुम रमज़ान शरीफ में कभी आती नहीं हो। तो वो फरमाने लगी कि बेबे जी, मेरी वालदा साहबा को फरमाने लगी कि बेबे जी रमज़ान मुबारक के महीने में तो अल्लाह ताला हमारा घर रिज़्क से भर देता है। और फरमाने लगी कि दो ही ये महीने होते हैं जिसमें
हम गोश्त भी हमें अल्लाह ताला अता फरमाता है, एक रमजान मुबारक का महीना और एक जो है जब ईद कुर्बान होती है जुलहज शरीफ की 10 जब हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी की ईद जो है उस वक्त है, तो वो फरमाने लगी कि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला हर किस्म का खाना नसीब करता है, जब कभी हमने बनाया भी नहीं है या कभी हमें बाकी नसीब भी नहीं होता है। तो ये अजीज तलबा, ये इसके बहुत बड़े माशी असरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के, और उसके बाद बहुत बड़े माशरती असात हैं, इसमें ज़कात का दर्स मिलता है, इसमें सदका फितर का दर्स मिलता है, इसको एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने का दर्स मिलता है, और यही वजह है कि रमजान मुबारक में इन चीज़ों के सदकात के नेकियों का जो है वो 700 गुना तक इजाफा करके अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में लिखते हैं। अल्लाह ताला हमें सही रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। अब इसी सेमिनार का या इवेंट का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो है इसकी इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन टोटली डिपेंड कर रही होती है आपकी सोशल जस्टिस पे, कि आपके मुआशरे में इंसाफ कितना है, और सोशल जस्टिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इकोनॉमिक जस्टिस पे। मैंने जिस तरह से पहले गुजारिश की, इस्लाम ने इस इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए ज़कात का, सदकात का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हमने मुआशरे को सक्सेसफुल होते हुए देखा। तारीख गवाह है कि इसी ज़कात की बुनियाद पे, इन्हीं सदकात की बुनियाद पे हमने दुनिया को सबसे जामिया, सबसे कामयाब मुआशरा दिया, वो चाहे खुल्फ़ाए राशिदीन के दौर में था, उनसे पहले था या उनके बाद था। तो इस खसूसी पहलू पर मैं मजीद गाइडेंस लेने के लिए इल्तमास करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर एजाज कादरी साहब से, कि रोज़े के जो इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं, इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं हमारे माशरे पे, उन पे ये अपने प्लेस का इजहार कीजिए। जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिकही और शरीयती एतबार से थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। आम तौर पे हम जो सुनते हैं कि जब माल सदक़े का माल है तो हम उसे लेते हुए घबराते हैं, तो डरते हैं और अपने लिए बासी आर और बासी शर्मिंदगी समझते हैं। सदका के दो किस्में हैं, एक सदका वाजिबा है, उन पर दो सदका नाफिला है। सदका वाजिबा की मखसूस होते हैं और वो है ज़कात, सदकतुल फितर और मुख्तलिफ सूरतों में कफ़ारा, रोजे का कफ़ारा, नजर मानी कसम का कफ़ारा, जिहार का कफ़ारा, और कुछ आदमी खुद अपने ऊपर लाजिम करता है जिसको नजर मानना कहते हैं। तो ये सदकात वाजिबा है, तो इसके मुस्तहिक उनकी तफसीर कुरान पाक में बयान की गई है कि वो मसारफ थमानिया है और उसके मसरफ 8 हैं। इरशाद बारी ताला है, इन्नमस सदकातु लिलफुकरा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम फिर रिकाब वल गारिमीन वफी सबीलिल्लाहि वबिस सबील। जबकि सदक़े नाफिला का बाब बड़ा वसी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बंदे, जो तू कमा के ला के एक लुकमा अपनी बीवी को खिलाता है वो भी सदका है। किसान खेतों में बीज बोता है, फिर उस बीज को दानों की सूरत में परिंदे चुन जाते हैं, जब फसल उगती है तो हजवारात चल जाते हैं, फिर जब वो अनाज हासिल होता है अगर ते इवज लेकर वो अल्लाह के बंदों तक पहुंचता है, जो भी उसको इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा उस किसान की तरफ से सदका होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मजीद एक और फरमाने पाक में वजाहत फरमाई कि सदका नाफिला में बेहतरीन मसरफ कौन सा है। हुज़ूर से पूछा गया, हुज़ूर आप ये फरमाएं
कि एक शख्स एक दिनार अल्लाह की राह में खर्च करता है और एक दिनार किसी फकीर मिस्कीन को देता है और एक दिनार खुद अपने घर वालों पे सर्व करता है। हुजूर मुख्तलिफ मकामात पे जो तरह तरह के मकामात पर दनानीर इस्तेमाल किए गए हैं, इनमें बेहतरीन कौन सा मसरफ है, कहाँ पर बेहतरीन खर्च किया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन दीनार वो है जो दीनार तूने अपने आलो आयाल पर खर्च किया है, वो भी सदका है, उसका भी उसको थवाब मिलता है। आखिर में एक बात अर्ज करूँगा, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज किया हुजूर मुझे अपने माल से बड़ी मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ कि ये माल मेरा हमेशा मेरे साथ रहे, दुनिया में रहूँ फिर भी मेरे साथ हो, मर कर कब्र में जाऊँ तो फिर भी मेरे साथ हो, मैदान महशर की मुश्किल घड़ियों में भी ये माल मेरा मुनशो गमखार बनकर मेरे साथ रहे, जिस तरह दुनिया में ये माल मुख्तलिफ मकामात पे मेरे काम आता है तो आखिरत में भी ये माल मेरे काम है, मुझे माल की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, मुझे बड़ी मोहब्बत है। तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया जितने माल से तुझे मोहब्बत है वो माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, मरने के बाद तुझे कब्र में हश्र में वो माल तुझे तेरा मिल जाएगा। रोजे की सूरत में हमें भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से फुकारा की जिंदगी का एहसास होता है, हम देखते हैं इसका अमली मुजाहरा कि ईद के दिन मुसलमान बरादरी का कम्युनिटी का हर फर्द गरीब अमीर बेहतरीन लिबास में मलबूस नजर आता है, हर घर में खाना पहुंचता है, हर एक खुश नजर आता है। दर हकीकत खुशी एक फर्द एक खानदान या एक कबीले की खुशी का नाम नहीं है, बल्कि हकीकी खुशी ये है कि उस मुआशरे का हर फर्द खुश हो। ईद उल फितर खुशी मनाने का दिन है, लिहाजा वो एक खानदान एक कबीला या एक शख्स ही खुश हो उसके खुश होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं अल्लाह करीम ने इस्लाम की सूरत में हमें जो खुशी मनाने का दिन अता फरमाया है वो दिन खुशी का सिर्फ एक मुसलमान घराने खानदान या एक मुसलमान कबीले के लिए नहीं होता, बल्कि रोए जमीन पर जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं ईद उल फितर के दिन हर मुसलमान भाई खुश नजर आता है कि माह रमजान में हम जो इन्फाक यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस खर्च करने का नतीजा है कि हर मुसलमान भाई ईद उल फितर के दिन हमें खुश नजर आता है। जज़ाकअल्लाह डॉक्टर साहब, हम आपके पहले ही मशहूर हैं कि आपने अपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, फिर एक सिर हासिल गुफ्तगू जो कि माजरती पहलू है हमारे माशरे का उस पर फरमाई। मैं इसको कंक्लूड करते हुए इस्लाम रोज़े का दर्स कहता है, फर्ज कर रोज़े की फजीयत हमें इस चीज़ की तरफ माइल करती है कि हम एक सेहतमंद माशरे की तख्लीक उसके बुनियादी अज्जा को साथ लेके करें और इसकी मिसालें हमें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद। दूसरा हिस्सा इकनॉमिक्स पे मुश्तमिल था, हमने कोशिश की कि जो रोज़े के इकनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि अगर रोज़ा अपने पूरे लवाजमात के साथ इख्तियार किया जाए तो ये मुआशरे की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का ज़ामिन बन सकता है। मैं अपने पैनलिस्ट का तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और आपने इतनी सेर हासिल गुफ्तगू फरमाई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम पे बीइंग द होस्ट ऑफ दिस इवेंट मैं बहुत मशहूर हूँ स्पेशली डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स के डॉक्टर अमानुल्लाह मलिक साहब का, मुख्तलिफ हेड्स ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, अपनी पूरी इवेंट मैनेजमेंट टीम का, इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने इस इवेंट को इस हद तक कामयाब करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, फैकल्टी का और सबसे आखिर में सबसे ज़्यादा मैं मशहूर हूँ उन स्टूडेंट्स का उन तालिब इल्मों का जिन्होंने दिलचस्पी के साथ इस सारे गुफ्तगू को समाप्त फरमाया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए और उसके लिए मुख्तसर दुआ के लिए मैं डॉक्टर मतलूब अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो एक दुआ फरमा दें ताकि हम में से जिस जिस का भला हो सके तो बुनियादी तौर पे हाजिरी तो खुदा के दरबार में है तो उस खातिर हाजिरी की
قبولیت کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک دعا جزاک اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأحباب سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه إله العالمين یہ تقریب سعید کا اہتمام جو کیا گیا ہے اسے اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما اور اس کا جو دروس ہیں اور اس کے جو اسباق ہمیں ملے ہیں کہ ہمیں روزہ کے دوران جو ہے باقی تمام چیزوں کو روزے کو تعلیمات اسلامیہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین روزے کی پرہیزگاری کا جو درس ہمیں قرآن نے دیا ہے الہی ہمیں وہ تقویٰ عطا فرما جس کا اعلان تو نے کیا ہے وہ تقویٰ عطا فرما جس کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درس حدیث میں دیا ہے الہ العالمین ہمیں وہ تقویٰ عطا فرما جو صحابہ کرام کے پاس تقویٰ تھا الہی ہمیں ایک بہت ہی اچھے متقی جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں رمضان مبارک کے دوران حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بدلانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے رذائل سے محفوظ فرما ہمیں الہ العالمین اخلاق حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین